गलती से मिस्टेक हो गया सर। आप भी सोच रहे होंगे आखिर गलती किसने की है और किसने कहा सॉरी। तो पटना में अजीब वाक्य सामने आया। भारत बंद के दौरान बवाल हो रहा था, पुलिस वाले लाठी चार्ज कर रहे थे, एसडीएम साहब भी मोर्चा संभाले हुए थे, लेकिन इसी बीच पिट गए एसडीएम साहब। लाइव देखिए पुलिस से हुई भूल। क्या गजब हो गया, पटना में अजब हो गया। बस इस वीडियो को आप देखते जाइए, पहली ही नजर में आपको ये लगेगा कि पुलिस वाले लॉ एंड ऑर्डर को संभाल रहे हैं, कुछ गड़बड़ ना हो जाए तो लाठी चार्ज किया गया। पुलिस वाले भी फुल एक्शन में थे, लेकिन इस एक्शन के बाद अचानक माहौल गर्म हुआ और सन्नाटा भी पसर गया। पुलिस वाले भी लाठी मार कर ये कह रहे थे सॉरी सर, या फिर ये कि गलती से मिस्टेक हो गया सर। तो इस सॉरी के लिए फिर से ये वीडियो देखिए, पुलिस वाले क्यों दंग रह गए। भारत बंद को लेकर पटना के डाक बंगला चौराहे पर बंद समर्थकों ने तोड़फोड़ की, तो बेकाबू लोगों को काबू में करने के लिए पुलिस वालों ने लाठी चार्ज किया। इस बीच सफेद शर्ट पहने हुए एसडीएम साहब श्रीकांत खांडेकर भी सिचुएशन को संभाल रहे थे। इस शख्स को कह रहे थे इसे बंद करो, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि एसडीएम साहब की बोलती ही उस वक्त बंद हो गई, जब एसडीएम साहब पर ही लाठी चार्ज हो गया। गलती से इस पुलिस वाले ने एसडीएम को लाठी मार दी। दरअसल एसडीएम साहब का चेहरा तो दिखाई नहीं दे रहा था, लाठी पड़ते ही सुनाई दिया। अरे लोग समझ गए थे अब तो माहौल गर्म समझो। इधर भारत बंद एक तरफ और दूसरी तरफ एसडीएम साहब का माथा गर्म। कुछ पुलिस वाले समझाने लगे, अरे ये क्या कर दिया, एसडीएम साहब है ये। शायद एसडीएम साहब भी ये बोल रहे होंगे भाई ये क्या हो रहा है। सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, लोग तरह तरह के कमेंट्स कर रहे हैं। किसी यूजर ने लिखा गलती से मिस्टेक हो गया सर, किसी ने लिखा बड़े बड़े शहर में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, तो किसी ने कहा मुस्कुराइए आप पटना में हैं। लेकिन कहीं ऐसा ना हो ये गलती पुलिस वालों पर भारी पड़ जाए। रिपोर्ट न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। वाकई में काफी अजीब वाक्य था। आगे बढ़ेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त पोलैंड में हैं, हालांकि उनकी इस विदेश यात्रा को लेकर पूरी चर्चा यूक्रेन पर फोकस है। प्रधानमंत्री जब पोलैंड से यूक्रेन के लिए रवाना होंगे तो 20 घंटे के सफर के बाद वो ज़ेलेंस्की के शहर कीव पहुंचेंगे। अगले 24 घंटे में यूक्रेन के युद्ध को लेकर क्या कुछ बदल सकता है, इस पर पूरी दुनिया की नजर बनी हुई है। यूरोप की जिस जमीन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कदम रख रहे हैं, ये इस वक्त दुनिया का सबसे खतरनाक वॉर जोन बना हुआ है। ये है पोलैंड की राजधानी वॉर्सो। प्रधानमंत्री के पोलैंड पहुंचने की टाइमिंग बहुत दिलचस्प है, क्योंकि यहां पहुंचकर नरेंद्र मोदी का सिर्फ एक मैसेज है, युद्ध को रुकना ही चाहिए। दुनिया इस युद्ध को लेकर चाहे दो ध्रुवों में बटी हो, लेकिन गुटनिरपेक्ष भारत के तराजू में युद्ध की कोई जगह नहीं, और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वी ओर पहुंचकर जो धर्म कांटा दिखाया है उसकी सुई युद्ध पर नहीं रुकेगी, उसकी सुई सिर्फ और सिर्फ शांति पर रुकेगी, यही भारत का मैसेज है। अब पोलैंड से यात्रा की शुरुआत करने के पीछे क्या मैसेज है? पोलैंड नेटो का एक मजबूत सदस्य है। नेटो में अमेरिका और तुर्की के बाद पोलैंड की सबसे बड़ी सेना है, लेकिन इसकी ज्योग्राफी से यूक्रेन और रूस के युद्ध को लेकर अहम बना देती है। वर्ल्ड मैप पर यह है पोलैंड। यहां पर नेटो के 5000 सैनिक वॉर रेडी वाले मोड में हैं। यहां है यूक्रेन। यहीं पर फरवरी 2022 से पुतिन का स्पेशल ऑपरेशन जारी है, और यहां है रूस। यूक्रेन से लगे रूस के कुर्स्क में इस वक्त ज़ेलेंस्की की फौज बड़ा युद्ध कर रही है, यानी ये पूर्वी यूरोप का इलाका इस वक्त दुनिया के लिए बड़ा चैलेंज बना हुआ है।
क्योंकि यूक्रेन और रूस का युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा बल्कि भड़कता जा रहा है। ऐसे हर एक हमले पर युद्ध ना रुकने की मोहर लगी हुई है, लेकिन इसी जंग को रोकना एक चुनौती भी है, जिसमें अमेरिका से लेकर तुर्की और चीन से लेकर ब्रिटेन तक हर ताकत इस युद्ध को रोकने में न सिर्फ फ्लॉप साबित हुई है बल्कि इन्होंने तो इस युद्ध में पेट्रोल डालने का काम किया है। सवाल है कि भारत क्या असर कर सकता है। पोलैंड दौरे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 अगस्त को यूक्रेन में रहेंगे और राजधानी कीव में उनकी मुलाकात यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से होगी। इस मीटिंग पर पूरी दुनिया की नजर रहेगी क्योंकि दुनिया भर में भारत की छवि एक गुटनिरपेक्ष देश की रही है। भारत रूस के करीब ज्यादा रहा है लेकिन यूक्रेन से भी भारत के मजबूत रक्षा संबंध रहे हैं। भारत ने अब पोलैंड में एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की है। पोलैंड की राजधानी वॉर्सो यहां से यूक्रेन की कैपिटल कीव 700 किलोमीटर दूर है, लेकिन दौरे के पहले पड़ाव पर ही भारत बताना चाहता है कि 700 किलोमीटर दूरी से ही वो अपना मैसेज 7000 किलोमीटर दूर तक पहुंचाना जानता है। जी हां, पोलैंड की राजधानी वॉर्सो की अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी से दूरी 7000 किलोमीटर है और अब भारत बता रहा है कि दुनिया की सबसे हॉट लोकेशन का हल डिप्लोमेसी से ही निकाला जा सकता है। मोदी का ये मैसेज सीधे व्हाइट हाउस के लिए है। इस वक्त यूक्रेन की सेनाएं रूस के कुर्स्क में युद्ध लड़ रही हैं। पहले जिस जमीन से रूस यूक्रेन पर हमले लॉन्च कर रहा था अब उसी जमीन को पुतिन बचाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी युद्ध ओवरफ्लो कर चुका है। युद्ध अब अपना दायरा पार कर रहा है। अगर ये यूक्रेन और रूस की सीमा लांग सकता है तो ये पोलैंड और यूक्रेन के बॉर्डर तक रुका रहेगा, इसकी गारंटी कौन देगा। इसीलिए जब शांति की जरूरत है तो युद्ध के तराजू की सुई युद्ध पर नहीं रुकनी चाहिए बल्कि कोई तो ऐसा हो जो साबित करे कि जंग के मुकाबले शांति का वजन ज्यादा है। दो ध्रुवों यानी यूक्रेन और रूस के बीच बटी दुनिया को इस वक्त भारत जैसे गुटनिरपेक्ष तराजू की जरूरत है। भारत का धर्म काटा दुनिया को ये गुंजाइश देता है कि यहाँ सुई सिर्फ शांति पर रुकेगी, युद्ध पर नहीं। प्रधानमंत्री का पूर्वी यूरोप का ये दौरा ऐसे वक्त हो रहा है जब नेटो और रूस आमने सामने हैं। यूक्रेन ने जब से रूस के कुर्स्क इलाके पर हमला किया है यूरोप और रूस के बीच तनाव बहुत ज्यादा बढ़ गया है। रूस ने साफ साफ कहा है कि कुर्स्क में नेटो की सेनाएं लड़ रही हैं और ये पूरे क्षेत्र के लिए बड़े खतरे का सिग्नल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 23 अगस्त को यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचेंगे तब दुनिया भर के कैमरे उनकी और ज़ेलेंस्की की मुलाकात की तस्वीरें वायरल करेंगे। 3 दशकों से ज्यादा पुराने राजनयिक रिश्तों के बीच ये पहली बार है जब भारत का कोई प्रधानमंत्री यूक्रेन का दौरा करेगा। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी और ज़ेलेंस्की की मुलाकात जून 2024 में हुई थी जब इटली में G7 बैठक के दौरान दोनों लीडर मिले थे। वहीं 2023 में दोनों की मुलाकात जापान में हुई थी जब हिरोशिमा में G7 की बैठक हुई थी। दोनों ही मुलाकात में भारत ने शांति कायम करने पर जोर दिया था। लेकिन इस वक्त ज़ेलेंस्की की फौज ने रूस के अंदर कोहराम मचाया हुआ है। कुर्स्क में बहुत खतरनाक युद्ध चल रहा है। पुतिन और ज़ेलेंस्की की सेना पॉइंट ब्लैंक रेंज पर लड़ रही है। रूस का दावा है कि उसने यूक्रेन के अब तक करीबन 2000 सैनिकों को मार गिराया है और अब उसकी पूरी फोर्स की सप्लाई लाइन काटने के साथ रूस का फोकस ज़ेलेंस्की को बड़े जाल में फंसाने पर है ताकि यूक्रेन बिना शर्त के रूस के सामने सरेंडर कर दे। पूरी दुनिया में इस वक्त मंकी पॉक्स नाम की बीमारी से हड़कंप मचा हुआ है। वहीं मंकी पॉक्स को लेकर भारत अलर्ट मोड पर है। इस बीच दिल्ली एम्स ने मंकी पॉक्स को रोकने को लेकर बड़ा फैसला लिया है। मंकी
मंकी पॉक्स बीमारी की इस वक्त पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। यह बीमारी 17 अफ्रीकी देशों और बाहर के कई देशों में फैल चुकी है। क्या इसका असर भारत पर भी पड़ने वाला है, इसे लेकर भारत सरकार अलर्ट मोड पर है। देश के सबसे बड़े अस्पताल एम्स ने संदिग्ध मंकी पॉक्स के मामले को लेकर SOP जारी की गई है, जिसके मुताबिक बुखार, दाने या संक्रमित मंकी पॉक्स मामले के संपर्क में आने वाले मरीजों को तुरंत चिन्हित किया जाए। साथ ही इस बीमारी के मुख्य लक्षण भी बताए गए हैं। एम पॉक्स बीमारी एक तरह की वायरल बीमारी होती है और ये मोस्टली किसी बीमारी से पीड़ित व्यक्ति के क्लोज संपर्क में आने से होती है। उससे स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट हो, ओपन वुंड हो या सलेवा का एक्सचेंज हो, उससे होती है। और एक तरह के वायरल बीमारी है। इसमें लोगों को मुख्यतः बॉडी में पेन होगा, फीवर होगा, बॉडी में पेनफुल रैशेस होते हैं, ज्वाइंट पेन होते हैं, बहुत कमजोरी आती है। अमूमन ये बीमारी संपर्क आने के हफ्ते से 10 दिन में फैलती है और 2 से 4 हफ्ते में ठीक हो जाती है। ज्यादातर लोगों में फैटल नहीं होती, पर किसी में अगर इम्यूनिटी की कमी है या किसी में बहुत सीरियस बीमारी हो जाए तो ऐसे में व्यक्ति की जान का खतरा भी होता है। दुनिया भर में मंकी पॉक्स का खतरा तेजी से बढ़ने लगा है। कई देशों में बहुत ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में भारत भी पूरी तरीके से अलर्ट पे है। हालांकि यहाँ पर अभी तक कोई मामला सामने नहीं आया है, लेकिन बीते दिनों PM की तरफ से एक समीक्षा बैठक की गई थी, जिसमें मंकी पॉक्स को लेकर जो है वो पूरी तरीके से तैयारियों पे समीक्षा की गई थी, क्योंकि बीते दिनों WHO ने इसे हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया है। और डॉक्टर्स का साफ कहना है कि अगर इसको कैसे ट्रीट करना है, इसका बचाव कैसे करना है, अगर इस पर काम कर लिया जाए तो इसे महामारी होने से रोका जा सकता है। WHO ने इसे इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी करार दिया है, लेकिन डॉक्टरों की सलाह है कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अफ्रीकन रीजन में हुआ है, जहां पर कि मंकीज के साथ ह्यूमन कॉन्टैक्ट काफी स्ट्रॉन्ग है। इसके जो मेन सिम्टम्स होते हैं कि फीवर होता है, रैश होता है, मसल पेन होता है और इसमें स्कैब्स आते हैं जो कि पहले फ्लैट होते हैं, बाद में फ्लूइड से भर जाता है पर पस्टूल का फॉर्म लेता है। मंकी पॉक्स इस वक्त अफ्रीका में एक आउटब्रेक हुआ है। अफ्रीकी देशों से शुरू हुआ मंकी पॉक्स का संक्रमण तेजी से फैलने लगा है। मंकी पॉक्स जानवरों से इंसानों में फैलने वाला एक वायरस है। वहीं राजधानी दिल्ली में भी मंकी पॉक्स को लेकर तैयारियां तेज हो गई है। अगर दिल्ली के 3 हॉस्पिटल्स की बात की जाए, सफदरजंग, लेडी हार्डिंग और RML, इन तीनों हॉस्पिटल्स में आइसोलेशन के लिए वार्ड भी बना दिए गए हैं और डॉक्टर्स बता रहे हैं कि ज्यादातर जो ये मामले हैं, ये कई बार इम्यूनिटी ठीक होने से ठीक हो जाते हैं। इसके लक्षण कोविड की तरह नहीं है, तो इसको हम कोविड की तरह एक महामारी नहीं कह सकते। इसके लिए पूरी तैयारियां की जा रही हैं एयरपोर्ट्स पर और पूरी तरीके से जो है वो स्कैनिंग की जा रही है, ताकि ट्रैवल हिस्ट्री का भी ज्यादा से ज्यादा पता चले। एम पॉक्स को पहले मंकी पॉक्स के नाम से जाना जाता था। इस वायरस की पहचान वैज्ञानिक ने पहली बार साल 1958 में की थी, जब बंदरों में मंकी पॉक्स जैसी बीमारी का प्रकोप हुआ था। दिल्ली से न्यूज 18 के लिए फराह खान की रिपोर्ट। अब हम जो तस्वीरें आपको दिखाने जा रहे हैं, उसे देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। 2 घर में कुछ ऐसा मंजर कैद हुआ जो दिल दहला देने वाला है। एक घर में बिस्तर पेटी जब खुली तो सबकी आंखें खुली की खुली रह गईं। बेड बॉक्स बना था अजगर की आरामगाह और दूसरे घर में बाथरूम में था कोबरा का डेरा। देखिए, देखते ही किसी के होश फाकता हो जाएं। देखिए कैसे ये बिस्तर पेटी अजगर की आरामगाह बनी। जब बिस्तर पेटी खुली तो घर वालों की आंखें फटी की फटी रह गईं। कपड़ों में अजगर का डेरा हैरान करने वाला था। खरगोन के बड़वा के चारण मोहल्ले में एक मकान के अंदर रखी बिस्तर पेटी में से 8 फीट लंबा अजगर निकला। दीपक वर्मा का ये मकान है। कपड़ों के बीच अचानक एक अजगर दिखाई दिया, जिससे परिवार ही नहीं मोहल्ले में हड़कंप मच गया। फौरन इसकी खबर एनिमल वेलफेयर टीम को दी गई। उसके बाद शुरू हुआ ऑपरेशन अजगर। 8 फीट का यह अजगर पाइथन प्रजाति का है, जिसका रेस्क्यू किया गया। जैसे ही अजगर बाहर आया तो मोहल्ले वाले दंग रह गए। अजगर को जंगल में छोड़ा गया है। लोग भी हैरान हैं कि आखिर बिस्तर पेटी को अजगर ने अपना घर कैसे बनाया।
अब खरगोन के बाद इंदौर की ये तस्वीर, जिससे रोंगटे खड़े होना लाजमी है। सोचिए, कोई बाथरूम खोले और सामने कोबरा नजर आ जाए, वो भी कमोड में। दो कोबरा सांप ने बाथरूम में डेरा डाला था। कमोड से निकले दोनों कोबरा सांप। इंदौर के गांधीनगर की अरिहंत कॉलोनी से आई ये तस्वीर दिल दहला देने वाली थी। बाथरूम में ऐसे फुफकार मार रहा था कोबरा, दहशत ऐसी थी कि 5 दिन से डर के साए में रह रहा था परिवार। कोबरा को पकड़ने के लिए बाथरूम में मछली भी रखी गई। कोबरा को पकड़ने के लिए स्नेक कैचर को बुलाया गया। कोबरा को काबू करना आसान नहीं था, सबकी सांसें ऊपर नीचे हो रही थी। कोबरा का रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। एक गलती जिंदगी पर भी भारी पड़ सकती थी। कितना खतरनाक हो सकता था कोबरा का रेस्क्यू, लेकिन कोबरा पर आखिरकार काबू पा लिया गया। दोनों घर में शायद अब तक ये दहशत जिंदा है। वाकई ये तस्वीर दहला देती है। खरगोन में आशुतोष पुरोहित और इंदौर में मिथिलेश गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। अगर नल गीजर बन जाए, और कुछ ऐसा ही हुआ है उस शहर में जहां एक घर में खौलता हुआ पानी आ रहा है, पानी ऐसा है कि जिससे हाथ पैर भी जलने लगे, लेकिन इस पानी को पीने से कोई नुकसान नहीं हो रहा। लोग इस खौलते पानी को दैवीय चमत्कार मान रहे हैं। आखिर पानी की ये तासीर कैसे बदली, ठंडा और मीठा पानी कैसे बन गया खौलता पानी, देखिए। नल से आ रहा ये पानी इस इलाके के लोगों को हैरान कर रहा है। जिस पानी को अगर छू लें तो लोगों का कहना है हाथ जलने लगे, लेकिन इस पानी को पीने से कोई नुकसान नहीं हो रहा। 15 दिन से भिलाई के वार्ड नंबर 38 में प्रेमा देवी के घर में अजीब घटना हुई। नल से गर्म पानी आना शुरू हो गया। सबको लगा शायद बरसात का वक्त है, इसीलिए खौलता पानी आ रहा होगा। लेकिन ये सिलसिला रुका नहीं, बोर वाले को भी बुलाया गया। वो कुछ भी सही से नहीं बता पाया। पानी इतना गर्म आने लगा कि घर वाले कुछ भी समझ नहीं पा रहे। सुनिए जरा। तो नहीं पता है, लेकिन 15-20 दिन हो गया। इसके पहले पानी भर रहे थे तो बाल्टी में, जब भरे हैं, स्टील का बाल्टी था तो उसको भरे हैं, तो हाथ जैसे ही धोने के लिए ऐसे हाथ लगाए हैं तो इतना तेज से हाथ जला है, तो हम बोले कि हो क्या रहा है, ऐसे गर्म पानी क्यों आ रहा है। जब मीनू शर्मा ने अपनी सास को ये बात बताई तो वो भी हैरान रह गई। इधर ये बात आग की तरह पूरे मोहल्ले में फैल गई। कुछ लोग इसे देवीय चमत्कार से जोड़कर देखने लगे। दरअसल प्रभा देवी का परिवार देवी उपासक है, 40 साल से इसी घर में रह रहा है। 20 साल पहले बोर कराया गया था, लेकिन हमेशा ठंडा और मीठा पानी आता था। हालांकि कुछ दिन से ये नल गीजर बन गया, जिससे गर्म गर्म पानी आना बंद ही नहीं हो रहा। बहुत गर्म पानी नहीं, एकदम जिसे सब पूरा हाथ भी नहीं लगा सकते, तो कोई यकीन ही नहीं। सब आके पकड़ रहे, सब बोल रहे झूठ बोल रहे हो। जब बोर से देखे पानी पूरा, तो बोले एकदम, बोले ये तो भाप निकल रहा है पानी से। सही बात है। अब 2-4 दिन बाद अगल बगल वाले लोग को भी बताया गया कि उबला पानी निकल रहा है भाप जैसे। उन लोगों ने भी यकीन नहीं माना, उन लोगों ने भी आके देखा, उन लोग को भी यकीन हुआ, हाँ सही बात है, हो क्या रहा है। घर के सामने मंदिर भी है, तो कुछ लोगों के दिमाग में ये बातें आ रही हैं कि कहीं ना कहीं ये चमत्कार तो नहीं, जबकि घर वालों का कहना है कि इसकी जांच होनी चाहिए। इसको बस जांच हो, क्यों हो, ये चमत्कार भी नहीं बोल सकते, विज्ञान ही बताए। अब वो तो जब कुछ नहीं निकलेगा तब समझेंगे हाँ चमत्कार ही है, क्यों आ रहा है पानी। और जब वैज्ञानिक लोग भाई बोल देंगे नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हम वो जाँच से इनकार करेंगे, तब हम समझेंगे कि चमत्कार ही है। अब खौलते पानी की जाँच की जा रही है, भू वैज्ञानिकों का क्या कहना है आपको सुनाते हैं। देखिए, इस तरह का स्थिति दो कारणों से बनता है। एक तो जियोजेनिक जो भूगर्भीय स्थिति उत्पन्न होती है उसे कारण होता है, दूसरा है जो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी, जो आसपास में जो ह्यूमन एक्टिविटी हो रही है उसके कारण भी ऐसी स्थिति बनती है। भू वैज्ञानिक सच पता करने के लिए पानी के सैंपल ले चुके हैं, अब पूरी हिस्ट्री खंगाली जाएगी। आखिर खौलते पानी की ये कहानी है क्या? दुर्ग से मिथिलेश ठाकुर, न्यूज 18 के लिए।
बैतूल में जब हेलीकॉप्टर आया तो लोग उसे देखकर हैरान रह गए। सबको लगा कोई वीआईपी आया है, लेकिन ये उड़न खटोला किसी वीआईपी के लिए नहीं बल्कि मजदूर के लिए आया था। आखिर क्यों, देखिए खास रिपोर्ट आसमान में ऑपरेशन जिंदगी। आसमान में ऑपरेशन जिंदगी। बैतूल में मरीज को किया गया एयरलिफ्ट। उम्मीदों की नई उड़ान, जिंदगी का टेक ऑफ। वीआईपी के लिए नहीं, मजदूर के लिए पहुंचा हेलीकॉप्टर। उड़न खटोला को आसमान में जब उड़ते देखा गया तो लोगों को भी लगा कोई वीआईपी यहां आए हैं, शायद किसी मंत्री का दौरा है। लेकिन ये हेलीकॉप्टर किसी वीआईपी के लिए लैंड नहीं हुआ बल्कि एक मजदूर की मदद के लिए पहुंचा है, राजमिस्त्री शेखलाल हरले के लिए। बैतूल के पुलिस परेड मैदान पर सुबह 11 बजे हेलीकॉप्टर उतरा तो मजदूर शेखलाल के परिवार वाले भावुक हो गए। बैतूल के अस्पताल से मरीज शेखलाल को भोपाल पहुंचाने के लिए एयरलिफ्ट किया गया। का ये कहना है, उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि एयर एम्बुलेंस के द्वारा उनके किसी परिजन को भोपाल ले जाया जाएगा। यहाँ पूरी तैयारियाँ हो चुकी है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं एयर एम्बुलेंस खड़ी है, मरीज को जो है एम्बुलेंस में शिफ्ट कर दिया गया है। अब पूरा माजरा आपको बताते हैं, आखिर किस बीमारी से जूझ रहे हैं शेखलाल हरले जिन्हें खास एयर एम्बुलेंस से लिफ्ट किया गया। दरअसल शेखलाल हरले काम करते वक्त 19 अगस्त के दिन ऊंचाई से गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए, स्पाइनल फ्रैक्चर हुआ जिन्हें सड़क के रास्ते ले जाना मुमकिन नहीं था। फिर डॉक्टर्स ने प्रदेश सरकार से मदद मांगी। मध्य प्रदेश की पीएम श्री एयर एम्बुलेंस योजना की मदद महज 24 घंटे में मिल गई। नहीं नहीं, वो चेले से हुआ, वो जैसे क्या कर रहे थे आप? प्लास्टर कर रहा था, एक हुक पकड़ा था चेले पे, उधर आया तो फट से गिर गया। ये मदद मिली और उसके बाद एयर एम्बुलेंस पहुंची बैतूल, जिस एयर एम्बुलेंस में विशेषज्ञ डॉक्टर होते हैं, साथ ही सारी सुविधाओं से लैस होती है ये एयर एम्बुलेंस। एमिनिटीज में स्ट्रेचर है तो लेटा के पेशेंट ले जाएंगे, स्पेशलिस्ट डॉक्टर है। अगर बीच में कुछ भी, जैसे ये तो स्पाइनल इंजरी ऑर्थोपेडिक केस है, बाकी जैसे हम छत्तीसगढ़ में नक्सलाइट ऑपरेशन में चोट लगा हुआ जवानों को ले आए, उसमें डॉक्टर इनको स्टेबलाइज भी करते हैं, इंजेक्शन देते रहते हैं, ऑक्सीजन देते रहते हैं, सब कुछ है इसमें फिटेड है। बैतूल में ये पहला मामला है जब किसी मरीज को एयरलिफ्ट किया गया है। हेलीकॉप्टर ने उम्मीदों की उड़ान भरी तो सबके चेहरे यही कह रहे थे, शेखलाल को नई जिंदगी मिल गई। महज 45 मिनट में मरीज शेखलाल हरले भोपाल पहुंच गए। मरीज शेखलाल के परिवार वाले बेहद खुश थे, जिन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि एक मजदूर की जिंदगी ऐसे भी मुस्कुरा सकती है। बैतूल में रिशु नायडू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।